हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके 24 स्टडी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में, और साथ ही साथ इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आज का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन हम अपना आज का लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रो कबड्डी लीग के 6ठे सीजन का खिताब किसने जीता है। ठीक है, यानी कि प्रो कबड्डी लीग का जो अभी 6ठा सीजन हो रहा था वो किसने जीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि बेंगलुरु बुल्स ने जीता है। ओके, याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगलुरु बुल्स ने जो है गुजरात को हराया है, 38-33 से जो है इन्होंने मतलब विजय प्राप्त की है बेंगलुरु बुल्स ने। ठीक है, और बेंगलोर की तरफ से जो है अभी जो फाइनल मैच हुआ इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था पवन कुमार सहरावत ने। साथ ही साथ इससे पहले भी जो है जितने भी मैच हुए हैं उनमें भी इनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था, इसलिए जो है इनको इस मैच का, इस टूर्नामेंट का मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है इनको घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बेंगलुरु बुल्स की अगर बात करें तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब इसने प्रो कबड्डी लीग जो है अपने नाम की हो, तो यहाँ पर से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि भारतीय महिला जैविक उत्सव का आयोजन 12 जनवरी 2019 से कहाँ किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई वाला, यानी कि चंडीगढ़ में। भारतीय महिला जैविक उत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में किया जाएगा, 12 जनवरी से शुरू होगा जो कि 14 जनवरी 2019 तक रहेगा। ठीक है, इस महोत्सव का जो आयोजन है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है, और इसका जो आयोजन का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो भी भारत के जो दूरदराज ग्रामीण इलाके हो गए या फिर कोई ऐसे इलाके जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए इलाके हैं, जो वहाँ पर जो महिला किसान हैं या फिर उद्यमी हैं, ठीक है, तो उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है इस तरीके का ये आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी हैं, तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से ही जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग पंजाब के बारे में, क्योंकि चंडीगढ़ में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। किसका आयोजन, यहाँ पर से ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, भारतीय महिला जैविक उत्सव का। ओके, चंडीगढ़ में आयोजन हो रहा है, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, यहीं पर आयोजित किया जाएगा ये। और पंजाब में 22 जिले हैं, गठन हुआ था पंजाब का 1 नवंबर 1966। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 550 जो है यहाँ की जनसंख्या घनत्व है। राज्यपाल हैं वर्तमान में बीपी सिंह बदनौर, और मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी मुख्य न्यायाधीश हैं पंजाब के। और सीटों की अगर बात करें तो राज्यसभा के लिए 7 सीटें, लोकसभा के लिए 13 सीटें और विधानसभा के लिए 117 सीटें हैं। साक्षरता दर है यहाँ पर 76.6%। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर से ये है हमारा पंजाब, और यहाँ पर से हमको इसकी सीमाएं जो है कौन कौन से राज्यों से लगी हुई हैं ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से आप लोग को यहाँ पर साफ साफ पर दिख रहे होंगे, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने राज्यों की सीमा जो है इससे लगी हुई है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पंजाब ग्रामीण बैंक सहित कितने क्षेत्रीय बैंकों का विलय कर दिया है। तो हमको यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि पंजाब ग्रामीण बैंक के साथ साथ जो है मतलब इन जो बैंकों का विलय किया गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का, कितने बैंकों का विलय किया गया है। याद रखिएगा कि 3 बैंकों का किया गया है। ठीक है, पंजाब ग्रामीण बैंक को मिलाकर कुल 3 क्षेत्रीय बैंकों का यहाँ पर विलय कर दिया गया है अभी केंद्र सरकार की तरफ से। बैंकों के नाम हैं, एक तो पंजाब ग्रामीण बैंक हो गया, दूसरा हो गया सतलज ग्रामीण बैंक, और तीसरा है मालवा ग्रामीण बैंक। ठीक है, इन तीनों को जो है आपस में मर्ज कर दिया है 1 जनवरी 2019 से, मतलब जो ये तीनों को मर्ज किया गया है तो वो जो है 3 के 3 एक साथ काम करना जो है शुरू कर लिया है 1 जनवरी 2019 से। नाबार्ड ग्रामीण गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यानी कि पंजाब की सरकार, और पंजाब नेशनल बैंक, इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक, ये तीन ही जो ये क्षेत्रीय बैंक है 3 के 3, पंजाब ग्रामीण बैंक, सतलज ग्रामीण बैंक और मालवा ग्रामीण बैंक, इनके जो है स्पॉन्सर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रामीण बैंकों के स्पॉन्सर होते हैं ना, तो ये जो है ये तीनों बैंकों के जो स्पॉन्सर हैं उनके नाम इस लास्ट वाले पॉइंट पर मैंने लिखे हुए हैं, तो अगर आप लोग को चाहें तो याद कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल सौर कृषि पंप के नामांकन के लिए कई रियायतें देने की घोषणा की है। यहाँ पर से इसको क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि अभी जो अटल सौर कृषि पंप योजना है उसके तहत जो है मतलब उसमें नामांकन करने के लिए लोगों को उपहार देने की घोषणा की है एक सरकार ने, कौन से राज्य सरकार ने की है ये। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अटल सौर कृषि पंप योजना किस राज्य सरकार की योजना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, महाराष्ट्र की योजना है,
और यहीं पर जो है इस योजना में नामांकन करने के लिए कई जो है सरकार की तरफ से उपहार देने की घोषणा की है, जिसमें से क्या है, एक पंखा दिया जाएगा, एक मोबाइल चार्जर दिया जाएगा, ठीक है, चार्जर पोर्ट हो गया और बल्ब वगैरह हो गया, एलईडी बल्ब। तो इस तरीके के जो है इसमें कुछ रियायतें हैं कि अगर आप जो है इसमें अटल सौर कृषि पंप योजना जो है उसमें नामांकन करते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं, तो इसमें जो है आपको इतनी चीज़ें मतलब सरकार की तरफ से फ्री दी जाएंगी। अटल सौर कृषि पंप योजना अक्टूबर 2018 में लॉन्च की गई थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, और इस योजना का उद्देश्य है जो भी बिजली की चोरी होती है या फिर कह सकते हैं कि जो बिजली ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होती है, चाहे आप खेतों में बात करें पंप वंप पानी वानी देने में, ठीक है, तो उसको जो है कम करने के लिए, एक बिजली बचाने के लिए और साथ ही साथ बिजली की चोरी बचाने के लिए इस योजना को लाया गया था, ठीक है, और साथ ही साथ सौर ऊर्जा के जो है उपयोग को बढ़ाने के लिए। तो याद रखिएगा यहाँ पर से, इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th की। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि इंट्स फूड 2019 का आयोजन 14 जनवरी को कहाँ किया जाएगा। तो इंट्स फूड 2019 का आयोजन किया जाएगा 14 जनवरी को ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में, और यहीं पर जो है इसका आयोजन किया जाएगा इंट्स फूड 2019 का 14 और 15 जनवरी को। तो एक तरीके से जो है ये सम्मेलन है जो भी भारत में जो फूड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या फिर व्यक्ति हैं उन लोगों का जो है एक तरीके का ये सम्मेलन है, ठीक है। याद रखिएगा कि इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि भारत में जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके निर्यात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है, तो इसीलिए जो है इसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि मीटिंग टाइप की है, एक ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हो रहा है, और इसमें उड़ीसा जो है भागीदार राज्य के रूप में शामिल होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की, कि फरवरी माह में इंडिया फार्मा 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो फरवरी माह में इंडिया फार्मा 2019 का आयोजन कहाँ होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ई वाला, यानी कि बेंगलुरु में, ठीक है। यहाँ पर से कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले तो इसका आयोजन देख लीजिएगा 18 और 19 फरवरी को किया जाएगा 2019 में, और साथ ही साथ यहाँ पर से और कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि ये वाला देख लीजिए, ये जो इंडिया फार्मा है इसका बेसिकली जो भी फार्मा के क्षेत्र से जो है जो संबंधित जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ठीक है, या फिर जो व्यक्ति हैं उनका जो है एक तरीके का ये एक मीटिंग टाइप की है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले पॉइंट में भी आपको बताया है, ठीक है। तो इसमें जो है किस तरीके से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से या फिर सरकार ने जो जो है योजनाएं लाए हैं, गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए जो योजनाएं लाई हैं कि मतलब कि लोगों को सस्ती से सस्ती दवाइयां उपलब्ध की जाएं, तो उन सभी के बारे में जो है इसमें चर्चा की जाएगी कि कैसे उनको लागू किया जाए ताकि फार्मा कंपनियों को भी कोई नुकसान ना उठाना पड़े और लोगों को जो है कम से कम पैसे में अच्छा इलाज उपलब्ध करवाया जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा फार्मा और मेडिकल डिवाइस जो भी कंपनियां बनाती हैं वो जो है इसमें शामिल होंगी। इंडिया फार्मा 2019 का इस वर्ष का जो विषय रखा गया है इसके लिए वो रखा गया है गुणवत्तापूर्ण किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाओं में समर्थ बनाना, ठीक है, किसको, कंपनियों को, तो बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे का विश्लेषण करने हेतु अंटार्कटिका से एक टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि अमेरिका। ओके, अमेरिका ने जो है अभी एक टेलीस्कोप जो है लॉन्च किया है अंटार्कटिका से, और ये जो टेलीस्कोप है ये जो भी ब्लैक होल है या फिर जो दूर स्थित जो तारे हैं उनसे जो एक्सरे किरणें आती हैं उनके विश्लेषण करने के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पर से इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की, कि हाल ही में केंद्र सरकार ने चक्रवाती तूफान फाबुक के खतरे को देखते हुए किसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि अंडमान और निकोबार, ठीक है। अंडमान और निकोबार के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर जो है जो तूफान है चक्रवाती तूफान फाबुक उसका जो है खतरा है, ठीक है। चक्रवाती तूफान फाबुक जो है इसकी तरफ बढ़ रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरफ, और इसलिए जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पर अलर्ट किया है, यानी कि ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर किया गया है, ठीक है। ये जो अलर्ट है ये चक्रवाती तूफान फाबुक के जो है अंडमान निकोबार की तरफ आने के कारण जो है दिया गया है। याद रखिएगा यहाँ पर हमने बात की ऑरेंज अलर्ट की, तो ये क्या चीज़ होता है। तो ऑरेंज अलर्ट जो है एक मौसम की चेतावनी देने की एक प्रणाली है या फिर एक तरीका है, जिसका मतलब ये होता है कि लोग तैयार रहें, मौसम या तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, ठीक है, या फिर जो है इसकी संभावनाएं हैं काफ़ी ज़्यादा कि मौसम जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, ठीक है।
तो जब भी जिस भी जगह पर जो है इस तरीके की मतलब मौसम से संबंधित कुछ गंभीर जो है समस्याएं होने लगती हैं, वहां पर जो है इस तरीके का अलर्ट दिया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जो है फिक्स कर रखे हैं, तो उसी में से जो है ऑरेंज अलर्ट इसे दिया गया, जो कि मैंने बता दिया यहाँ पर, कि लिख के भी दिया है कि यही ये क्या चीज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको दिख रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो यहीं पर जो है फाबुक के कारण जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ओके, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि 6 जनवरी को किस देश के नौसेना प्रमुख भारत यात्रा पर आए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि फ्रांस। ठीक है, 6 जनवरी को फ्रांस के नौसेना प्रमुख एडमिरल क्रिस्टोफ प्राजुक जो है भारत की यात्रा पर आए हैं। 6 से 9 जनवरी 2019 तक जो है ये भारत की यात्रा पे रहेंगे, और याद रखिएगा कि इस दरमियान जो है ये जो हमारे जो नौसेना प्रमुख है सुनील लांबा के साथ साथ जो है नौसेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे। ठीक है, इनका जो उद्देश्य है एक आधिकारिक दौरा है, और भारत और फ्रांस के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए इनका ये दौरा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां है कि अर्ना सोलबर्ग किस देश की प्रधानमंत्री हैं जो 7 जनवरी को भारत यात्रा पर आएंगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि नॉर्वे। अर्ना सोलबर्ग प्रधानमंत्री हैं नॉर्वे की, और ये 7 जनवरी को 3 दिवसीय यात्रा पे भारत आ रही हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित कई वरिष्ठ नेताओं से जो है मुलाकात करेंगी। ठीक है, इसके अलावा भारत और नॉर्वे के बीच में जो व्यावसायिक शिखर सम्मेलन हो रहा है उसको भी जो है यहाँ पर ये संबोधित करेंगी। ठीक है, संबोधित करेंगी। नॉर्वे की अगर हम बात करें तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और मुद्रा यहाँ की नॉर्वेजियन क्रोन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यही है नॉर्वे, और यहीं की प्रधानमंत्री आई हैं भारत यात्रा पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कल के कुछ क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछे थे। 3 जनवरी 2019 को दिव्येंदु पालित का निधन हो गया। हमको बताना है कि वे किस लिए प्रसिद्ध थे, क्या थे वो। तो वो प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि इनका उपन्यास था एक सॉरी अनुभव, उसके लिए जो है इनको साहित्य अकेदमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था आपके लिए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो भारत के वर्तमान में कौन है चुनाव आयुक्त, सुनील अरोड़ा। अब बात करते हैं आपके लिए आज कुछ क्वेश्चन की, जिनका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में एनजीटी ने अवैध खनन रोकने में असमर्थ किस राज्य पर 100 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है, कल ही किया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको याद होगा तो। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में जारी दुनिया के 4000 प्रमुख वैज्ञानिकों की सूची में भारत के कितने वैज्ञानिकों के नाम शामिल हैं। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।